हेलो दोस्तों, आप सभी का पाथ ऑफ एग्रीकल्चर में स्वागत है। तो आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, और आज के हमारे टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सीड्स। जी हाँ, तो जो हमारे इम्प्रूव सीड्स होते हैं या फिर जो किसानों के पास एंड प्रोडक्ट प्याते हैं, उसके पहले वो 5 अलग अलग सीड्स में डिवाइड होते हैं। तो वो कौन से हैं वो जानने से पहले हम जानेंगे उसके 2 टर्म के बारे, क्योंकि ये 2 टर्म उन 5 को जानने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला होता है फिजिकल प्योरिटी। तो फिजिकल प्योरिटी यानी कि जो सीड्स होते हैं उसके अंदर कोई भी डैमेज ना हो, बाहरी या भीतर से कोई डैमेज ना हो, ऐसे प्रकार की जो यूनिट या फिर ऐसे प्रकार की सीड्स की जो टेस्टिंग की जाती है, फिजिकल प्योरिटी टेस्ट या फिर फिजिकल प्योर सीड्स कहा जाता है। उसके बाद होता है जेनेटिक प्योरिटी। जो ये जो जेनेटिक प्योरिटी यानी कि जो सीड्स है उसके साथ उसी प्रकार के सेम जो अदर क्रॉप्स या वेराइटीज़ के सीड्स उसके अंदर मिक्स ना हो, ऐसी कोई भी मिलावट ना हो, इसे जेनेटिक प्योरिटी कहा जाता है। तो इस प्रकार से फिजिकल और जेनेटिकली 2 प्योरिटी को नापा जाता है। अलग अलग सीड्स के प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले होता है न्यूक्लियस सीड। जो न्यूक्लियस सीड होता है वो 100% प्योर होता है फिजिकल और जेनेटिकली, और क्योंकि वो ब्रीडर और 100% सुपरवाइज है, कम्प्लीटली सुपरवाइजिंग अंडर द ब्रीडर होता है। उसके बाद उसके सेकंड नंबर पे आता है ब्रीडर सीड, जो न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी यानी कि उसकी संतान कहा जाता है। उसमें उसी की तरह 100% जेनेटिकली प्योर और फिजिकली 100% प्योर होता है। इंडियन गवर्नमेंट के आधारित उसका एक टैग लगता है, और वो गोल्डन या फिर येलो कलर का टैग लगता है। थर्ड नंबर पे आता है फाउंडेशन सीड। वो अब ब्रीडर सीड के होने के बाद उसकी संतान, और उसके अंदर अब जेनेटिकली जो प्योरिटी वो थोड़ी कम होती है, बट मोर देन 99% तो होती है, और साथ में फिजिकल प्योरिटी मोर देन 98% होती है। और अब फाउंडेशन सीड आने के बाद अब उसका टेक कलर गोल्डन और येलो से बदल के फाउंडेशन के अंदर हो जाता है वाइट टैग। तो इसके बाद आता है रजिस्टर सीड, जो अब उसी की तरह फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है, और इसके अंदर अब टैग कलर बदल जाता है पर्पल या ऑरेंज या फिर ओवल ब्लू कलर का भी होता है, पर अभी इंडिया में इसमें पर्पल या फिर ऑरेंज कलर का लगता है। अब हम बात करेंगे 5वें प्रकार की यानी कि सर्टिफाइड सीड के बारे में। जो सर्टिफाइड सीड होता है वो जेनेटिक की हम देखें तो फाउंडेशन या फिर रजिस्टर सीड इन दोनों की एक प्रोजेनी है, जो ये कॉमर्शियली पर्पस के लिए जो प्रोग्रेसिव फार्मर या फिर कोई अच्छे फार्मर्स वगैरह होते हैं उनको ये दिया जाता है, जो फार्मर लोग सोइंग करते हैं। और इसमें एक चीज़ और थी, जो फाउंडेशन सीड्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं उनको सीड प्रोडक्शन के लिए उन्हें दिया जाता है, और ये सर्टिफाइड सीड तो नॉर्मली सारे फार्मर्स और इंडिया में एंड कंज्यूमर जो फार्मर्स होते हैं वो सोइंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ये सर्टिफाइड सीड्स का टैग होता है, तो सबसे पहला होता है न्यूक्लियस सीड, उसके बाद आता है ब्रीडर सीड जिसका टैग होता है येलो या फिर गोल्डन, उसके बाद आता है फाउंडेशन सीड जिसका टैग कलर होता है वाइट, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है रजिस्टर सीड जिसका टैग कलर होता है ऑरेंज या फिर पर्पल, और लास्ट में सर्टिफाइड सीड आता है जिसका टैग कलर होता है ब्लू। तो इसी के साथ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स का टॉपिक यही ख़त्म होता है। इसी प्रकार के नए नए वीडियो और खेतीबाड़ी से जुड़ी और बहुत सारी अमेजिंग जानकारियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।